और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है, तो फूलचंद चाउमीन को पूरी तरह से उड़ाना भी चालू कर दिए, तो देख रहे हैं कितना मिनट कितना सेकंड लगाते हैं। फूलचंद जी लिए हैं तो खट्टी वाली सॉस लिए। अमाजिक इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में चाउमीन रखी हुई, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है चाउमीन खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चाउमीन लगी हुई है, तो आज हमारा चाउमीन नूडल ईटिंग चैलेंज है और चैलेंज में तीन चैलेंजर आने वाले हैं। देखते हैं तीनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन जो है 500 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ चाउमीन का आनंद लेकर के जाता है। और इस चैलेंज में कोई जोर दबाव नहीं है, जितना खाना चाहे उतना खा सकते हैं और चैलेंज को कहीं से भी छोड़ सकते हैं। देखते हैं इस चैलेंज में कौन विन करता है, कौन इनाम की राशि लेकर जाता है, कौन सिर्फ चाउमीन का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन चैलेंजर आने वाले हैं, तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके इनाम की राशि कौन लेकर जाता है और कौन ऐसा बहादुर है जो इस थाली को खाली करके जाता है और कौन ऐसा बहादुर है केवल आनंद लेकर जाता है चाउमीन का। और सबसे पहले नंबर आया है तो फूलचंद जी का। हाँ। तो देखते हैं फूलचंद जी क्या इस चाउमीन की प्लेट को कितने समय में कंप्लीट करते हैं, कितने समय का टारगेट अगले चैलेंजर को देते हैं, उस चैलेंज उस टारगेट को तोड़ करके देखते हैं कौन ऐसे चैलेंजर है जो 500 रुपए इनाम की राशि लेकर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देर न करते हुए फूलचंद के लिए टाइमर चालू कर दीजिए। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है, तो फूलचंद चाउमीन को पूरी तरह से उड़ाना भी चालू कर दिए हैं, तो देख रहे हैं कितना मिनट कितना सेकंड लगाते हैं। फूलचंद जी लिए हैं तो खट्टी वाली सॉस लिए है, इनको मीठी वाली सॉस पसंद नहीं है। और शंकर जी लिए मीठी वाली सॉस, इनको खट्टा नहीं पसंद है। बहुत गजब, देखते हैं मतलब यहाँ पर वाला जीतता है कि मीठे वाला। खट्टा मीठा का चैलेंज हो चुका पहले, है चाउमीन पहले खा रहे मतलब चीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि टाइमर आपका भी स्टार्ट हो जाएगा फिर से। बहुत गजब। और देखते ही देखते फूलचंद जिस स्पीड से उतरे हैं उसी स्पीड से अभी चले चले जा रहे हैं और मंजिल पर पहुंचने के लिए देखना है कि सोच रहे हैं कि कितना सेकंड लगाते हैं। 30 सेकंड से ज्यादा का टारगेट नहीं देंगे, नहीं तो ये लोग तोड़ देंगे उस टारगेट को। बात का जब। और देखते ही देखते फूलचंद अपना एक्सीलेटर बहुत तेजी से लगा दिया और उस एक्सीलेटर के तहत ऐसा लग रहा है कि फूलचंद ज्यादा से ज्यादा दो, लेकिन अभी बता नहीं सकते चाउमीन कैसे बनी हुई है, एंड में बताएंगे कि चाउमीन ठीक थी या नहीं। बहुत गजब। अभी तो सिर्फ टारगेट देना है, टाइम के अंदर फाउंडेशन के अंदर खाना है। और यहाँ पर शंकर अपनी चाउमीन तो चीख लिए हैं कि मीठी है कि खट्टी है, इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि चटनी खट्टी है कि मीठी है, इसलिए जो है थोड़ा सा और बहुत ही गजब तरह से देख रहे हैं फूलचंद को कि भैया कौन सी स्पीड लगा रहे हैं यार, हमें कौन सी स्पीड लगाना है, पूरी तरह से समझ रहे हैं बूझ रहे हैं। और इधर फूलचंद पूरी तरह से एक्सीलेटर अगर लगा दिए हैं तो एक्सीलेटर बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि स्पीड प्लस होती जा रही है एक्सीलेटर की। और जैसे जैसे चाउमीन मतलब खत्म हो रही है वैसे वैसे स्पीड डाउन हो रही है। हाँ। और ऐसा लग रहा था 1.5 मिनट में खाएंगे, अब ऐसा लग रहा है 2 मिनट क्रॉस कर जाएंगे। और चाउमीन कंटेनर में जिस तरह से भरी चली जा रही है उसी तरह से स्पीड भी थोड़ा सा स्लो होता चला जा रहा है। तो स्पीड को स्लो मत करिए फूलचंद जी और अपने स्पीड को थोड़ा हवा देते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। बात गजब। 1 मिनट 44 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और फूलचंद भी लगभग लगभग काफी हद तक का मंजिल पर पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से चाउमीन को ऐसे काटे हैं जैसे चम्मच से काट दिया जाए, बहुत ही गजब तरीके से काट काट के खा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कांटे की जरूरत नहीं है। हाँ। कांटे के से अगर खाएंगे तो दांत तोड़ लेंगे। बात का जवाब। एक बार तो मैगी का चैलेंज लगा था उसमें फूलचंद जी अपना दांत तोड़े थे। तो देखना है। और ये वो चैलेंजर हैं छुरी और कांटे से खाना इनको पसंद नहीं आता है, छुरी और कांटे से डिस्टर्ब कर लेते हैं अपने आप को इस ज्यादा। तो देखते ही देखते 2 मिनट 20 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और फूलचंद का जो चाउमीन है वो पूरी तरह से और थाली से हटने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से फूल पचक रहे हैं थोड़ा सा है। ऐसा हमको एहसास हो रहा है और क्योंकि पूरा का पूरा चाउमीन कर रहे हैं उतनी ज्यादा पहाड़ मतलब ढेर लगता जा रहा है, पहाड़ बिल्कुल इकट्ठा होता जा रहा है, पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और देखते ही देखते लगभग लगभग जिस हिसाब से जिस स्पीड से फूलचंद चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पूरी चाउमीन खाने में लगभग लगभग 4 मिनट लगा देंगे फूलचंद। और 2 kg चाउमीन खाना कोई आसान बात नहीं है। तो कोई समय की बाउंडेशन है, समय की बाउंडेशन नहीं है, समय ये लोग खुद ही डिसाइड करेंगे। बात गजब। और देखते ही देखते लगभग लगभग फूलचंद जिस हिसाब से भाग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि फूलचंद लगभग लगभग राजू कांटा ले आओ तोल के दिखाए देखे कितना है। बहुत गजब। और यहाँ पर कांटा भी मंगाया जा रहा है, देखा जा रहा है कितना इस थाली में लगी हुई है चाउमीन। हाँ। और यहाँ पर शंकर बहुत ही गजब तरह से देख रहे हैं। हमारे दर्शक कहते हैं आप लोग गलत बताते हैं, इतना आइटम होता नहीं है। हाँ। इतना क्या आते हैं आप लोग बताते हैं। तो दर्शकों से निवेदन है कि यहाँ पर गलत नहीं दिखाया जाता है ना, तो गलत बताया जाता है और
भरसक प्रयास रहता है कि अनकट वीडियो आप लोगों को दिखाया जाए। तो फूलचंद एकदम फूल गए हैं और पूरी तरह से हो गए, 3 मिनट 47 सेकंड के अंदर ही जवाब दे गए हैं, अब नहीं खा पाएंगे ना। तो फूलचंद जी आए, हौसला दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और देखते हैं अगले चैलेंजर के रूप में कौन आ रहे हैं और कितनी समय में इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। और अगले चैलेंजर के रूप में शंकर जी आ गए हैं नो स्टॉप। तो काटा चालू कर दीजिए, चालू कीजिए, इधर करो ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ है, दोनों तरफ मीटर दोनों तरफ है। तो यहाँ पर कांटा आ चुका है और चाउमीन की जो थाली लगी हुई है उसको पूरी तरह से नापा जा रहा है। तो अभी आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पर 0-0 चल रहा है, 0-0 हो चुका है और नहीं 1.5 किलो है, मान 1.5 किलो, 1.5 किलो चाउमीन का चैलेंज है। तो 1.5 kg चाउमीन देखते हैं शंकर जी कितने समय में कम्प्लीट करते हैं। हाँ, तो शंकर जी पूरी तरह से तैनात हो चुके हैं फूलचंद को पीछे करने के लिए और सोच रहे हैं कि हमें 500 रुपये जीतना है। तो देर न करते हुए शंकर के लिए भी टाइमर को चालू कर दिया जाए और शंकर के लिए टाइमर चालू हो चुका है। अरे पूरी तरह से एकदम चाउमीन को बिल्कुल उड़ा देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और शंकर जी आ गए हैं बिल्कुल फॉर्म में और अपने भयंकर अंदाज में, मतलब जो इनका अंदाज है चैलेंज के लिए जिसके लिए जाने जाते हैं, और उस चैलेंज में उस तरह से 17 सेकंड में आधी प्लेट चौमिन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। और देखते हैं आधी प्लेट जो चौमिन बची है उसको कितने सेकंड में कंप्लीट करते हैं। बहुत गजब, और जो स्पीड लगा रहे हैं शंकर जी, जो बाइक लगा रहे हैं, बहुत गजब की सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं यार, कैसे कर रहे हैं, और सीधा बैठे भी नहीं जा रहा है फूलचंद जी से, बिल्कुल झुक गए हैं भैया कि दबाव थोड़ा सा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मतलब बाइट का दबाव नहीं महसूस कर पा रहे हैं, पूरी तरह से एकदम अपने आप को परेशान कर रहे हैं। करीब करीब चौमिन समाप्त होती नजर आ रही, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और यहाँ पर देखना है कि अगले चैलेंजर के रूप में कौन आते हैं और क्या कमाल करते हैं, क्या शंकर का जवाब दे पाते हैं या नहीं। फूलचंद तो पूरी तरह से एकदम अपने आप को सरेंडर कर दिए थे 3 मिनट 47 सेकंड में ना। हाँ, और 3 मिनट 47 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो हमको लग रहा है कि 2 मिनट नहीं हो पाएगा, 1 मिनट 47 सेकंड नहीं हो पाएगा। बहुत गजब, और देखते ही देखते लगभग लगभग अपने आप को पूरी तरह से स्पीड में झोंक दिए हैं शंकर, और बाइट जो इतना भयंकर बाइट ले रहे हैं इससे चाउमीन बहुत तेजी से भागती नजर आई है मंजिल की ओर। और देखते ही देखते चाउमीन का जो निवाला है, मात्र 2 निवाला बचा हुआ है जबकि पूरा का पूरा चाउमीन मंजिल की ओर भाग चुकी है। और 1 मिनट 33 सेकंड हुआ है और 1 मिनट 33 सेकंड के ऊपर टाइमर जाते जाते लगभग लगभग 2 बाइट बचा था, अब मात्र यही बाइट खाएंगे और उसके बाद 500 रुपये का इनाम इनके हाथों में होगा। लेकिन इनके बाद एक चैलेंजर और भी है। हाँ, तो देखते हैं वो चैलेंजर कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और 2 मिनट के अंदर शंकर ने दिखा दिया, शंकर जी आए, हौसला दिखाया, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और देखते हैं अगले चैलेंजर के रूप में ओम प्रकाश जी आ रहे हैं तो कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में आ चुके हैं ओम प्रकाश, तो देखना है कि ओम प्रकाश क्या कमाल करते हैं, क्या थाली को खाली कर लेते हैं 2 मिनट में या नहीं। अगर 2 मिनट के अंदर इस चाउमीन को खा लेंगे तो समझ चलिए 500 रुपये पाएंगे, इनको 3 मिनट का समय दे दिया। बहुत गजब, 1 मिनट एक्स्ट्रा खा लेंगे तब भी इनको 500 रुपये दे दिया जाएगा, मतलब शंकर को तो मिलेगा ही। तो देर न करते हुए टाइमर चालू कर दीजिए प्रमोद जी के लिए, ओम प्रकाश जी के लिए। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है तो ओम प्रकाश पूरी तरह से चाउमीन को भेजना चालू कर दिए हैं अपने स्थान पे, और देखते हैं 3 मिनट में क्या करते हैं और 3 मिनट में जो टाइम मिला है उस टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाते हैं नहीं। और इनसे चौमिन चल ही नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है कि बाइट ही नहीं उठ पा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो ओम प्रकाश आ जाइए फॉर्म में और चौमिन की नस तोड़ते जाइए और खटाखट बाइट लेते जाइए, और ऐसा नहीं लग रहा है कि ओम प्रकाश आगे जा पाएंगे और देखते बीच में ही अपने आप को कंप्लीट कर पाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और यही साहस लगा के रखेंगे तो 100% विन कर जाएंगे, अगर थोड़ी थोड़ी खाती रहेंगे तो खाती रहेंगी खाते रहेंगे भैया यहाँ पर जो बहुत थोड़ा सा मजा भी ले लिया जा रहा है। तो देखते ही देखते ओम प्रकाश जो बाइट बना रहे हैं, बहुत गजब बाइट बना रहे हैं, एकदम नपी तुली बाइट लेकर जा रहे हैं। और स्पीड घुघर तरह जैसे गोलगप्पा गोरी दाबती है उसी तरह से थोड़ा सा डाउन होके खा रहे हैं ना। हाँ, तो भैया ओम प्रकाश थोड़ा सा अपने आप को हौसला लगा दीजिए और दिखा दीजिए आज पवन को, दिखा दीजिए कि 3 मिनट के अंदर कैसे मैगी समाप्त होती है। आपको 3 मिनट दिया गया है, 1 मिनट अपने आप से जोड़े हैं, एक्स्ट्रा दिया गया है। शंकर का तो इनाम बना ही बना है, अगर 3 मिनट के अंदर खा लेंगे तो आपका भी इनाम बन जाएगा। फूलचंद जी कितने समय में खाए थे? 3 मिनट 47 सेकंड में। चलो फूलचंद जी को ही पीछे कर दे कम से कम। चलो भैया 3 मिनट 47 सेकंड हो चुका है, मतलब 47 सेकंड और एक्स्ट्रा आपको मिल गया है। तो ऐसा लग रहा है कि
फूलचंद जी को देखते हैं पीछे कर पाते हैं नहीं, बात करने के बाद छोड़िए, क्योंकि सीनियर सिटीजन है फूलचंद जी। बात गजब। और ओम प्रकाश जो बाइट ले रहे हैं सोच समझ के ले रहे हैं, पहले मुंह को खाली करते हैं उसके बाद। और ऐसे ही खाना चाहिए क्योंकि अगर बाइट पे बाइट देते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी खाने में। हाँ, मशीन एरर बता देगी। और यहाँ पर देखते ही देखते पूरी तरह से ओम प्रकाश 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट से कम अभी समय इनके पास बचा हुआ है शेष, और प्लेट में चौमिन भी आधी बची हुई है और एक मिनट लीजिए भैया, एक मिनट बचा हुआ है आप लोगों के पास। आपके पास बात गजब। तो पानी दे दीजिए भैया। क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, फिनिश हो जाएगी कि नहीं? नहीं हो पाएगी। तो इस हिसाब से तो शंकर जो है विजेता हो चुके हैं और ओम प्रकाश अपने आप को अभी सरेंडर नहीं किए हैं। आराम से खा लीजिए जितना खाया जा रहा है। तो ओम प्रकाश जी आए, हौसला दिखाए, ओम प्रकाश जी का धन्यवाद करते हैं और शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। चौमिन नीटिंग चैलेंज में ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और दोनों ही चैलेंजर बोल गए हैं, फूलचंद जी और ओम प्रकाश जी, दोनों चैलेंजर फिनिश नहीं कर पाए हैं और शंकर जी इस चैलेंज में बिल्कुल बाजी मार गए हैं और आधे से कम समय में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनको इनाम के साथ 500 रुपए बोनस भी आज कैश देते हैं। बहुत गजब। और बोनस की राशि पाके एक बार ताली बजा रहे हैं फूलचंद, तो जोर से बजा दीजिए यार। और यहाँ पर ताली बज चुकी है तो शंकर जी ताली में इनके दम नहीं है। और ताली किस तरह बजा रहे हैं फिर से बजा के सुना दीजिए एक बार। भैया कैसे बाजे और कैसे बाजे, अभी की दूसरी तरह बजाने लगे हैं, मतलब और यहाँ पर आवाज इनकी बदल गई है। तो फूलचंद जी आए, हौसला दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं। और इतनी चौमिन फूलचंद जी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं और ओम प्रकाश जी भी इतनी चौमिन नहीं कंप्लीट कर पाए हैं। शंकर जी 2 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और शंकर जी कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो चौमिन बना था बहुत बढ़िया बना था और चटनी डाल के हम बहुत बढ़िया ही सिखाए। हाँ। और आनंद भी आ गया। आप लोग से यही निवेदन है कि लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और जो नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर करते रहे और हमारा भी हौसला बढ़ाते रहे, हमारे चैलेंजरों का भी हौसला बढ़ाते रहे। तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।